तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम तुम सबको साला तुहार सबे के देख ले लागत हाँ बयाना परीक्षा करवाओ कास भी है बयाना परीक्षा तेरे मामा करके चले गए हराम जाते तुम कौन सी चीज हो अबे सुन पहले मेरी बात, अगर साले अपनी भलाई चाहता है पहले पहले बाल छोड़, छोड़, छोड़। साले उस प्यारे ललो को बुला बुला बे साला बालों की खींच खराब कर रहा है अबे अबे बुला साले को बुला रहा बुला रहा बुला रहा बुला रहा बुला बे उसे प्यारे लाल आ धर्मू भैया आजा आजा जल्दी आजा कहा भा कहा तही बोल उजौर रामनगर वाले सारे नावर हैं के गए कि हैं सबके सब चले गए हैं सबके सब चले गए जल्दी आजा दुल्हनिया है दुल्हन है सुन चटनी चटकदार है और मेहर मटकदार है जल्दी आजा दुल्हन एकदम तैयार है ससुर के बार कतौ नहीं है अच्छा नहीं कर रहे हो साले मिल कहा तुम लोग जानते नहीं कि हम लोग किसके आदमी हैं साला कहा त्रहन नहीं ए भैया ए भैया ये अपने मेहरारू को मनाई ना मान ये साला अपने अम्मा को मनाई हम तुम्हारी माई को मनाई सुन बे साले हाथी का बच्चा पहले मेरी बात सुन सुन अब यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी कभी तेरी तो कभी मेरी अगर साले अपनी जिंदगी की भलाई चाहता है तो इसको पकड़, इससे धर्मुआ के दोनों हाथ साले बांध 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 इना हो देखा एक देखा ना हम लोग जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा उसका दोनों हाथ पीछे करके बांध दो साला ला के फंसाए दीस कहा चटनी चटकदार दुल्हन मटकदार एकदम तैयार यहाँ देखा तो रामनगर के लोग सब पूरा एकदम प्लान बनाया जौने और जनता का मार बहुत ही खराब हुआ था नहीं हम दुकान नहीं खोले सीए वाली आवा तो अंगोछा दे दी तू लावा परसा हरम चौदह नाला तेरे मामा को मैंने अंगोछा दिया था
तेरा मामा लावा पड़ता था। बहुत सारे लाते खमावा। उतारूगा जूता अभी मारूगा साइकिल जूता साले। नक्का का नाक काट अढ़ाई भीतर रोज बाढ़ है। चार लाश सही है मेलवा रही है सारे। है। वो तुझे गाली दे रहा है। गाली दे रहा है कब है? हम नहीं पाए। कह रहा है कि तुम्हारे मामा को अंगूठा हम दिए थे। एक मतलब? एक मतलब? तुरे माई मौसी गरिया बता। इन्हें कि हमारे मामा का अंगूठा दिए तो हमारे मामा इनका दुल्हन दे। अगर ये तेरा ना माना है तो ले हंटर पकड़। आप बताओ मनबे कि ना मनबे? अरे हराम चादे नालाय प्यारे ललवा, कम से कम सोच तो का? कोई रास्ता निकाल। रास्ता ही है एक हवा है। सुन, चार जूता वही मुंह पे तोहरे मार दी। हर साला बहुत मारूंगा भी साले चोर। तेरी नाक साले लागे खाती मरते है। प्योरे ललवा, अरे कहावत पे कहा गया है बे, कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी तो सुबह मार रहा था। यही तो करते है कम से कम सारे मारन से बच चली, नहीं तो जानता है जनतक मार चल गए ना तो ये खिया से जाए ये खुआ से जाए अंग भंग हो जाए। अबे एक मसारिया प्लेट पर ही है गेहूं पर जाए सारे हाथ बांधे दे। साले हाथ बांधेगा गोली किस तरह मचलाऊंगा? अब गोली चलावे लायक रही नहीं कहा बेटा। क्यों? आराम से आराम से। अरे दर्द हो रहा है साले। बेसरा प्यारे ललवा, अबे प्यारे ललवा क्या कर रहा है? खाली फंसा होता ही साला गज 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 गज। अब यहाँ से हम जा सकते। प्यारे लाल देखो, तुमने जितना मैंने कहा उतना तुमने किया, इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देते हैं। भैया आप सब जने हमारे बड़ा भाई है। बड़ा सर बड़ा अब सुन मेरी बात, मैं चाहता हूँ भैया इसने इतना अच्छा काम किया है मेरे कहने के अनुसार, अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई इनाम दे दूं। देखो ये तुम्हारे कपड़े हैं गंदे, इसको मारते मारते तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं चाहता हूँ ये कपड़े उतार दो, हम तुमको नया कपड़ा देकर तुम्हारी विदाई करना चाहते हैं। हाँ इसको उतार दो, मैं तुमको नया कपड़ा दे दूं ताकि तुम ठाकुर साहब के पास जाओ तो देखे तो खुश हो जाए। देख ले यार नहीं फंसावा हमका। उतार दे यार बस। यो खराब है। अरे यार रह गया यार, इस कलर का कपड़ा नहीं अच्छा लगता है यार। तो
बंदा है यार। बस यह गंदा है तो चला भाई तुरंत रोकी दे। ए भैया कैसे आवा? आवा हो तू तो रामायण नगर के है। हाँ यार दिखत है यार हमार कपड़ा गंदा हो गया है। हाँ गंदा हो गया है क्या करी? हाँ ये कपड़ा उतार के हम धोखा दीता। हाँ हमार कपड़ा ले जाए के हाँ इनके मौसी के मशीन में धोवा ले आवा। कहाँ वाली को बतिया का वॉशिंग मशीन पे भाई तो जो पनिया डाल के चला मत इशार धुलवा को हड़क नहीं जिसे पेट फुलाए बा जाले आवा सुपारी सूट ले आवा। सुमन जरा इनके लिए नया कपड़ा लाओ नया कपड़ा जाओ जाओ सुपारी सूट लेके आओ। प्यारे लाल ये तुम्हारे लिए स्पेशल साड़ी मंगवा गया है बनारस से। ये बनारसी साड़ी है। क्या बात है? बाप रे बाप बदबू नहीं है उसमें सेंट छिड़का गया है। तुम्हें बदबू आ रहा है? बाप जमन चर रहीं मारत यहाँ ये साड़ी तू पहन ले के तू हाँ हाँ कबाई हाँ हरिया के हम्मा कौन बड़ी बात यहाँ यार साड़ी तुरंत है पहन की पहन हाँ साड़ी पहनने की बात यहाँ खाली बाप पहन ले पहन ले ये यार तुरंत है पहन साड़ी तेरा पहन ले ना भाई साहब का बताई हिंदुस्तान में कौन मेहरारू साड़ी पहन न पाए का पकड़ा प्लेट बनाई अब छोड़ दिया ऐसी साड़ी पहन ले कि हिंदुस्तान के कौन मेहरारू साड़ी पहन न पावत हुई जतनी मेहरारू साड़ी पहनती हैं सब हमसे पहले सीखा आवत ई कावा दो चार साड़ी लेवत तब देखा चुकवे के क्षमता बास एक साड़ी में तो जनापन ही कर। अब आपके बतिया हमारी समझत है तो ये साड़ी ऐसे पहनते हैं करता इतरम साड़ी तुहरे मौसी हो रहे न पहन पाई है इस साड़ी पहन लिया जौन या डम्फर जाती है डम्फर पे तुका बैठा दी ड्राइवर इनके लगे डम्फर पे बैठ के ना जाई है डम्फर के नीचे पहुड़ के जाई है अब जाना है दाग दे जाता है साड़ी उस तरफ दाग दे है तो हम पहचान नहीं कर रहे आए हाय तो बापू है मर जाए
बेटवा का गुंडैना सिखावे, बेटवा उ है मर जाए जौन बाप का जियल ना भेजावे, तो पतवा उ है मर जाए जौन ससुर के तेल ना लगावे, ससुर है मर जाए जौन पतोहू का मिठाई ना खवावे, तो चलत पाँव भारी होए कि चूतर डगमग हो, हसत गाल मा गड़वा हो जा तो समझा पक्का छिनरा हो, हाय हाय सारा गन्ना चूस ले गए गोरा वाली मिलिया की गोरा वाली मिलिया सारा गन्ना चूस ले गए, चमनी तेलिया कई हाल सुना भार, ये चमनी तेलिया कई हाल सुना भार, तो करे भतार के बुक काबिल साले हमका बालेश्वर का विवाह सुनाओ का तीसरा साड़ी किस देश में पहनते हैं साड़ी आ गई जिस तरह औरत साड़ी पहनती है, देखो उधर देखो शामू की बीवी को उस तरह साड़ी पहन, कई अगवा हुआ देखी तो जैसे मेरी बीवी ने साड़ी पहना है वैसे साड़ी पहन ले। अरे अरे भाई आप जिस काम के लिए ठाकुर साहब की हवेली पर मेरी पत्नी को ले जा रहा था अब वही काम तुझको करना पड़ेगा। ए भैया भौजी की नहीं पहनी है, रुक जा फिर 36-32 बनाई दिए। ये क्या बे? है ये क्या सोच करता ही हम कहे कतों में बेड़ाए न जाए साले पेट आ रही बस अड्डा आ करी गल लागा था भैया हमार पेट सुहरा बता हमार पेट सुहरा ते जने अपने माई के पेट सुहरा है एक को पैसा फर्क नहीं है सोच ले पहन ले पहन ले भैया कहीं भाग अब तो फंसी नहीं गए भाई फिर आओगे रामनगर किसी करोड़ लेने के लिए फिर आओगे नहीं भाई जिंदगी में कान पकड़ लिया भाई तुम सारे लाल के फंसा गया इतना पढ़ी आए जहाँ जाऊँ हमारे साथ करें साला अब तुम्हें शामू की बीबी बनकर यहाँ से जाना है जमींदार के पास और वहाँ पर जाने के बाद कह देना मैं शामू की बीवी हूँ मैं खुद चल कर आई हूँ लखा कितना जने लखा तह दोस्त सब जने के नेत खराब या कहाँ गया जगह नाथ बीवी सी जौन कस के गांठी मारब दोस्त कैसे जैसे हमारे बुढ़वाई आजी कस के गठियावत रही अच्छा कसम भगवान हमारे आजी सही से गठियाए दिए कस के ना तो बाबा हमारे दोपहर भर झूले तब न गांठी खोल अच्छा ही बताओ बेटा जो तुम्हारे आजी के गठिया तुम्हारे बाबा खोल रहे तू कहाँ रहत रहे बाबा के लगे रहत रहे मतलब दुलारे के है दुलारे के ने वही ननकू के मतलब दुलारा था हाँ बहुत दुलारा रहे आज तुम्हारी ये हालत देखने के बाद
तुम्हारे मालिक के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। चला भाई का करब है पहलवान बाबा है पहलवान। हाँ पहलवान है बाबा घुसेरन नाथ। अबे घुसेरन नाथ नहीं घुसमेश्वर नाथ। हाँ बाबा है अवसान माई अगर आज हमारे ही इज्जत बच जाए तो कह हम दोहरी दूर दुनिया चबवाओ दुनिया बिथे के चबवाओ तो हम बुद्धे के चबवाओ। चल ये क्या बे अपन फुफुनी बनावा लेट है ये लखनऊ को छक्का बन गया। वाह तो हमारा दुल्हन बनी यहाँ। ए भैया अबे मेहरारू बराबर नहीं बनी यहाँ। अबे कमी है। कौन कमी भाई अब हम अच्छी तरह मेहरारू बनावे जानी था। अब भैया अबे कौन कमी है इतना याद रखना। क्या हुआ धर्म बाल चिंता मत करो अभी तुम्हारा भी स्वागत करूंगा। ठीक है याद रखना इज्जत करना तुम्हारी सेवा करना ये मेरा परम कर्तव्य है। अच्छा वह हाल यह है आवाज दुल्हन है हवा देखा घाय जा भैया हवा माठा लैया हवा देखा सब दूर से लगावा दांव पर हम मान ले जुगाड़ फिट हो जाए 250 ग्राम बादाम 200 रुपया बस यही सब सिस्टम। अब तो बन गया है मेरी बीवी अब गाना गाते हुए ठुमका लगाते हुए अपने ठाकुर साहब की हवेली पर जा। अच्छा हाँ उनसे पूछ लो और निकल लो। अब धर्म तुहार माटी दा यहाँ तुहरे बाप के दाढ़ी मां बस साले खाली दे रहा है अब फुलौरी के दमा ये सब कुछ तो ले लिया ये सब कुछ तो ले लिया काल जिनी काटा ये बबुआ बहुत ही खरा Thank you.
देखिए आप हमारे यहाँ आए हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है, आपका भी थोड़ा मान सम्मान कर दिया जाए, अरे स्वागत किया जाए। सुमन इनके लिए गुलाबों का हार बना कर लाओ। भैया हरे इनके स्वागत हो लागे तो ताली जरूर बजाया, अगर सारी रात देखे हा इनके स्वागत हो लागे तो ताली जरूर बजाया सब जने। अबे रुको रे बजाओ भला तालियां। ऐसे तालियां की स्वागत हो रही है कि जैसे मैं कोई इलेक्शन जीत के आ रहा हूं। सुनुआ और समुआ हमारे सजावट में कोई कमी नहीं रखा। ठीक है मैं जा रहा हूं। ऐसे नहीं जाओगे। चलेगा नियम भंग कर दूंगा मैं ज्यादा दिन तक चले अब हुकूमत नहीं। जाके अपने जमींदार उस धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कह देना कि हमारा हिंदुस्तान देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया था, आजाद है और आजाद रहेगा। आज के बाद से हमारे रामनगर की कोई बहन बेटी उसकी हवेली नहीं जाएंगी। आप दोबारा लौट कर आओगे तो क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा लेना। याद रखना ये हाल देखकर जमींदार साहब बहुत खुश होंगे। जात रहा हूं लेकिन सोनू और श्यामू कान खोल के सुन लो, अगर हम जिस दिन अगर वापस आएंगे अगर तुम सबको खान की आंसू नहीं रुला तो हमारा भी नाम धर्म वाला ही होगा। साला धमकी दे रहा है शिव कुमार। श्यामू मेरे भाई आज तुम्हारी बीवी को ले जा रहा था। हाँ भैया कल शादी होगी शिव कुमार की बीवी को ले जाते हैं, कभी मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी को ले जाता है। हमें इसके खिलाफ आंदोलन तो छेड़ना ही था सो मैंने छेड़ दिया। और इतना ध्यान रखना कि आज के बाद अपने गांव में जितने माताएं बहनें हैं बूढ़ बुजुर्ग बच्चे हैं सबको जाके सिर्फ यही शिक्षित करो कि आज के बाद कोई धर्मेंद्र प्रताप सिंह का साला पालतू कुत्ता हमारे गांव में कदम रखता है जिसके हाथ में ईंटा मिले पत्थर मिले कुल्हाड़ी मिले हसिया मिले लाठी डंडा जो भी मिले टूट पड़ा उनके ऊपर। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने हमारा ये गांव रामनगर गुलाम ही रहेगा इस जमींदार का। सुनो हम आपका एहसान कभी भूलेंगे नहीं, अगर आप सही समय पर ना आते तो आज हमारा मान सम्मान मिट जाता है। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, कौन इंसान है जो एक इंसान के काम ना आए, वो तो जानवर के समान फिर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है सोनू भैया, हाँ अगर हमारा जीवन रहा भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, नहीं तो इस एहसान का बदला हम एहसान से ही चुकाएंगे बड़े भाई। मेरे भाई भगवान न करे कभी वो दिन आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। Bye.
दुश्मनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्त बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना सोनू भैया कितने अच्छे समय पर आ गए ना। हाँ भाई अब ही इतना मौके पर ना आई के होते सोनू भैया धर्मुआ साला भौजी के अमरूद तोड़ने अमरूद ना तोड़ लेता आबरू लूट लेता आबरू आबरू चल निकल जाते ही भाई जा। भैया हम चलते हैं तौदी पर नहीं आवा खा पिया भैया तौदी तू दोनों जने टेंगे टेंगे सुमन आवाज हम तुम्हें खेतों की तरफ ले चलते हैं घुमाने के लिए चलिए ना चले भाई रोशन अपने भौजी के चाहे जितना खवाई पियाई लेकिन ऐसे नहीं रही है रोशन भैया घर मालिक 50 रुपया देता है। अच्छा कहा था शिव कुमार एक ले लिया अब भैया के ले गए तनिक बढ़िया पियावा खूब दवाई के भैया के सेहत बने हम कहीं कहा था यार दूध ला लिया और निप्पल में भर दे आराम से चुभुर चुभुर जी